سے 900 سال پہلے خراسان کا کوہستانی میدان جہاں غزنوی سپہ سالار اور ایاز کا آقا باغی سردار ازبک کے ہاتھ کا جام پی چکا ہے۔ ایاز اپنے آقا اور شاہی فوج اپنے سپہ سالار کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ فریدہ کی لاش، ہم رات بار ان کی تلاش میں سرگردہ رہے۔ زمان خان لاش لے لو۔ نہیں نہیں نہیں، کیا مطلب؟ میرے آقا غلام کے بازو ہی میں جائیں گے۔ سلطان معظم خود غزنی سے کمک لے کر تشریف فرما ہو گیا ہے اور اپنے بہادر سپاہ سالار کی لاش دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ میرے آقا جب زندہ تھے تو خود چل کر سلطان معظم کے حضور جایا کرتے تھے، آج آج اپنے غلام کے
बाजू ही में जाएंगे, आज आज अपने गुलाम के बाजू ही में जाएंगे। जिंदा थे खुद चलकर सुल्तान के हजूर जाया करते थे। सालार के पास तुम कौन हो? अयास लाश क्यों उठा? आका ने खादिम की हिफाजत की थी, आज मौत के गुलाम आका की हिफाजत कर रहा है। शनासी से बहुत खुश हूँ, तुम्हारे आका और हमारे सिपाह सालार को इज्जत के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुजफ्फर इंतजाम हमारे सिपाह सालार की शान के मुल्क। मेरे आका आज तुम मनोवट्टी के नीचे सो रहा है, लेकिन तेरी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा की। मैं इसी मोहब्बत की कसम खाकर हैद करता हूँ, जब तक मेरी तलवार तेरे कातिल के लहू में तैर नहीं जाएगी इत्मीनान से नहीं बैठूंगा। जहां बना तुम्हारी यह कसम जरूर पूरी होगी, मेरी जिंदगी लेकर उस बुद्ध भी जिंदा नहीं रहेगा। हम गजनी से चलकर खुरासान इसीलिए पहुंचे हैं कि बागी उस बुत की लाश अपने घोड़ों के सुमों तले कुचल डाले, लेकिन अब यह जिम्मेदारी हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। मैं अपना फर्ज अदा करूंगा जहां पना। पहाड़ों से टकराना है, ये फौलादी बाजू गजने की सारी कुव्वत को चक्की की तरह पीस डालेंगे। सुल्तान ने अपने सिपहसालार का अंजाम देख ही लिया है सरदार। सुल्तान के हर सिपहसालार का यही अंजाम होगा, अमूद का भी। सरदार अयास फौज के साथ इधर आ रहा है। कौन है अयास? फरीद खान का वो अदना गुलाम एक हकीर तिनका आंधी के सामने आने की जुर्रत कर रहा है। Thank you.
हाजिब, ये शोर कौन कर रहा है? उसे मालूम नहीं दिन भर के थके सिपाही आराम कर रहे हैं? गुस्ताख को रोक। अयाज, तुम? आली जा, खुदा का शुक्र है मैंने आका के कातिल उस बुक का सर उनके कन्नों में गाड़ दिया है। शाबाश, हम तुम्हारे इरादे की पुख्तगी से बहुत खुश हुए। आज से दस दस तक तुम्हारी मातहती में रहेंगे। आलम पना, कुछ अर्ज करना चाहता। कहो अयाज। गुलाम की ख्वाहिश है हमेशा आका के कदमों ही में रहे। अयाज, तुम्हारी वफाशारी से हमें यही तवक्को थी, तुम्हारी आरजू पूरी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लड़ाई में अगर वक्त नमाज क़िबलोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्याम हो गया मुजफ्फर? हो गया जहां पना। साथ ये भी मालूम हुआ है कि उज़्बो खान के खास आदमी कमीनगाह में है। दुश्मन अगर कमीनगाह में है तो हम अल्लाह की पना में है। खुदा पर भरोसा रखो मुजफ्फर, जाओ आराम करो। तुम भी जाओ अयाज। सितारे चांद है शर्माया।
देख ना गाफिल हूँ, दुश्मन है खात्मी वो कौन आया, देख वो कौन आया, मौत के जल रहे हैं दिए, खून इंसान का इंसान पिए, लोग आते हैं छुप कर यहाँ, आस्तीनों में खंजर लिए वो कौन आया, देख वो कौन आया, देख वाह देख वो कौन आया, देख वो कौन आया, देख वो कौन आया। शाद बाश है आज, आज तुमने हमारी जान बचाई। जहां पना अल्लाह की पना में है। जहां पना, जहां पना, सुल्तान ए मौज़म जिंदाबाद, सुल्तान ए मौज़म जिंदाबाद, सुल्तान ए मौज़म जिंदाबाद। हमें अफसोस है कि इस नागवार हादसे की वजह से तुम्हारे जश्न में रखना पड़ा। जहां पना, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप मेरे भाई की शादी में तशरीफ लाए। शादी की खुशियां मुबारक हो, लो जश्न मनाओ। कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। इजाजत। मेरा नाम गुलनाज है, बच से आरजू थी कि शाही महल में जाने का फख्र हासिल करूँ, आज वो पूरी हो गई। कनीजों का इंतखाब करना मलका का काम है, काफिले के साथ चली चलना, मलका ने पसंद कर लिया तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। प्रिया। साजिश का अभी तक पता क्यों नहीं लगा? आलम पना, हमारे जासूस साजिश का खोई लगाने में मसरूफ हैं। साजिश का पता लग गया है आलम पना, ये साजिश उसबुक खां के चंद आदमियों ने की थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग अपने साथ अशरफियों से भरा हुआ ये संदूक भी लाए थे ताकि खाकम बदहन जब ये जलील ख्वाहिश कामयाब। जब ये जलील ख्वाहिश कामयाब। खुश आमदे, खुश आमदे।
سلطان معظم کی دائیں جانب وہ اجنبی کو میں خود حیران ہوں ایک اجنبی اتنے بڑے عہدے پر کیسے پہنچ گیا ہوشیار سلطان ابن سلطان ذل سبحانی یمین الدولہ امین الملت سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں خدائے عز و جل دولت غزنویہ کے عادل دیار اور نیک دل تاجدار سلطان محمود پر اپنی برکتیں نازل فرما اور یمینی سلطنت ہر آفت سے محفوظ رکھ آمین جوان دولت خدا وندا جوان بخت و جوان بادی فراوان دوستان داری بکام دوستان با جهان داری ترا زیبد خداوند جهان بادی ز دولت بهرور بادی ز شادی شادمان بادی خلعت بندگان عالی کے اراکین حکومت کو معلوم ہے کہ ہم بہادری اور وفاداری کے تہ دل سے قدردان ہیں یہ خوبیاں محلات میں پائی جائیں یا محلات کی بلند دیواروں کے نیچے غریبوں کی جھوپڑیوں ہمارے دربار میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو کل ایک گمنام غلام تھا مگر آج شاہی اعزاز اس کے راستے میں آنکھیں بچھانا اپنا فرض جانتا ہے ایاز عالم پناہ ماں بدار ہر حقدار کو اس کا جائز حق دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں تمہاری خدمات کے سلے میں ہم تمہیں شہزادگی کا اعزاز بخشتے ہیں عالی حضور اجازت ہو تو یہ خانہ زاد کو چرف کرے اجازت ہے حضور عالی کی نگاہوں نے جو خوبیاں ایاز میں دیکھی ہیں وہ بفضل خدا اراکین حکومت میں سے ہر ایک میں موجود ہیں غلام اگر اطاعت شاری کا ثبوت دیتا ہے تو وہ صرف حق نمک ادا کرتا ہے حضور کی دریا دلی ایک غلام کو شہزادے کے بلند مقام پر پہنچا کر یہ ثابت کر رہی ہے کہ شہزادے اور غلام میں کوئی فرق نہیں کیا ہمارے لخت جگر شہزادہ محمد کی بھی یہی رائے ہے جس کا اظہار ہمارے ہمشیر زادے احمد نے کیا ہے عالم پناہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی زبان سے کچھ کہو یا نہ کہو تمہارا دل احمد کے الفاظ کی تائید کر رہا ہے حاجب احمد
اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ عالی حضور، یہ ہیرہ شاہی خزانے کا تل ہے، میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ محمد، ہماری خواہش تم سے بھی یہی مطالبہ کرتی ہے۔ علی جا، میری سعادت مندی اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس ہیرے کو توڑ دے جسے جہاں پناہ کے دل کی قربت کا فخر حاصل ہے۔ ایاز، ہمارے حکم کی عالی حضور کی فرما برداری غلام کی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دیکھ لیا تم نے، تم اطاعت کا لفظ بولتے ہو مگر اطاعت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تم نے قیمتی ہیرے کو دیکھا، ہمارے حکم کو نہیں۔ ایاز کی اطاعت شاری نے ہمارے فرمان کو سمجھا، قیمتی ہیرے کو نہیں دیکھا۔ ایاز اور تم میں یہی ایک فرق ہے۔ ایاز، الحمدللہ تم اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ استاد مکرم، اپنے مقدس ہاتھوں سے ایاز۔ ایاز زندہ باد۔ کاش غلام کی زبان غلام کے دلی جذبات کا ساتھ، تمہارے دلی جذبات قبول فرمائے۔ دربار برخواست۔ با ادب، با ملایا، ہوشیار، نگاہ روبرو، یمین الدولہ، امین الملت، نظام الدین۔ ایاز مبارک۔ مبارک شہزادہ ایاز، مبارک۔ مبارک مبارک شہزادہ ایاز، مبارک 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 باد شہزادہ ایاز۔ تم بھی مبارک باد پیش کر۔ ایاز، تمہیں تو آج غزنی در و دیوار سے تمہارے لیے مبارکباد کے ہنگامے بلند ہو رہے ہیں، لیکن تم خاموش ہو۔ سوچ رہا ہوں، سلطان معظم نے شبنم کے ایک ناچیز قطرے کو نایاب گوہر بنا دیا ہے، میں اس قدرت کے قابل نہیں تھا۔ ہماری ادا کرو۔ شہزادہ عالم، میری بانو آپ کا دل شکریہ ادا کرتی ہے۔ اپنی بانو سے کہو، بانو سے کہو۔ سال کے بعد آ رہی ہے میری بچی۔ امی جان، میری بچی۔ کیوں جانے بیگر، اتنی دیر کیسے ہوئی؟ ابا جان، آج تو ہم موت کے منہ میں جاتے جاتے بچے۔ کیا ہوا تھا بیٹی؟ ہوا یہ امی جان، جب ہماری سواری بازار سے گزر رہی تھی
तो एक मस्त हाथी हमारे तख्त रवा की तरफ बढ़ा, करीब था कि हमें कुचल कर रख दे। इसलिए मैं वली अहद सल्तनत अल्लाह की रहमत बनकर आए और उन्होंने एक ही बार में हाथी की सूंड काट कर रख दी। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र। वली अहद सल्तनत वो तो आजकल मुल्क से बाहर है। तो फिर छोटे शहजादे होंगे। हाँ, शहजादा मोहम्मद होगा, बहादुर बाप का बहादुर बेटा। क्या कहना चाहते हो अहमद? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आलीजा कि अयाज ने गजनी के खजाने की दौलत एक संदूक में बंद कर रखी है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझता है। इस तरह संभाल कर रखता है कि किसी की निगाह भी उस पर नहीं पड़ सकती। सिर्फ रात के वक्त उसका ढकना खोलता है। सबूत दे सकता हूँ आलीजा? कि हमने जिस हीरे को जानिसारी वफादारी की अंगूठी का नगीना समझा है, वो हीरा नहीं, पत्थर का एक हकीर टुकड़ा है। आलीजा, अयाज में आपने जो कुछ देखा है वो आपके अपने दिल की खूबी है। तो आज इसका फैसला हो जाए। इंतजार करो, हम शाम के फरीजे से फारिग होकर बाहर आते हैं। गुलनाज। जी सरकार। वो शमा कब रोशन करोगी? कौन सी सरकार? जो यहाँ है। हवस के जुल्मत कदों को सिर्फ ईमान ही रोशन कर सकता है शहजादे। हम तो पहले ही नजर में ईमान ले आए थे गुलनाज, फिर हमारे मुकद्दर में ये तारीखियाँ क्यों हैं? चलना चाहिए। तुम भी तो किशोर हुस्न मोहब्बत की मलिका हो गुलनाज, तुम्हें भी अपना मर्तबा पहचानना चाहिए। कोशिश की है कि उनके दिलों पर क्या गुजरती। जाइए शहजादे, जाइए। कि हवस में आप ऐसे कांटों से न उलझ जाएं कि आपके वकार का दामन तार तार हो जाए। के हकीकी, अयाज चीथड़ों में पैदा हुआ और आज भी चीथड़े पहनकर तेरी बारगाह में हाजिर हुआ है। परवरदिगार, मुझे तौफीक दे के अपनी हकीकत कभी न भूल। ये दामन जो आज तक किसी के सामने नहीं फैला, हमेशा तेरे ही सामने फैले। बारे इलाहा, मेरे सीने में इंसानियत की सच्ची मोहब्बत का चिराग जिंदगी के आखिरी सांस तक रोशन रहे। आमीन। आलीजा, आप यहाँ? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं, तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा सकती, धोखा किसी और की आंखों ने खाया है। तुमने गजनी के खजाने की दौलत देख ली है मत? ये फटा पुराना लिबास गजनी की दौलत नहीं, इंसानियत का सबसे बड़ा खजाना है। झूठे इल्जाम के तीरों का जिस कदर चाहे मैं बरसाओ, सच्चाई के पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ यार,
हमारे साथ। अयास, शाही महल में पहुंचकर भी तुम गुलामी के चीथड़ों को इतनी हिफाजत से रखते हो? इन चीथड़ों में कल तक जो बेबहा लाल छुपा था, वो आज शहजादगी के ताज की जीनत बन चुका है। जहां बना कहीं महल की अजमत मेरे दिमाग में गरूर पैदा न कर दे, इसलिए मैं अपने गरीबी के एहसास को संभाल कर रखता हूँ, ताकि ये ख्याल ना आए कि मैं क्या हूँ, ये एहसास होता रहे कि मैं क्या था। मरहबा, एक इंसान की अजमत इसी में है कि वो इंतहा पर पहुंच कर भी अपनी इब्तदा को न भूले। आओ यास, हमारे करीब आओ। आलम बना, हमारा हाथ अपने हाथ में लो। आज से यह हाथ तुम्हारे लिए शहंशाह का हाथ नहीं, एक बाप का हाथ है। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज है। और तुमने हमारे हाथ पे जो कुछ दिया है, उसकी कीमत एक शहंशाह भी नहीं दे सकता। एक वफादार और इताशार बेटे की आंखों के सच्चे मोती दुनिया के बड़े से बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती है। आओ मोहम्मद, यहां आओ यास, बैठो। तुम दोनों मेरे बाजू। शाह बाबा, शाह बाबा। मेरे बच्चों, जहां पना उस्ताद मुकर्रम तशरीफ लाए हैं। उस्ताद मुकर्रम? उस्ताद मुकर्रम, कैसे तकलीफ फरमाई? मैं शाह की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। किस बात की? शहजादा वाला गौहर ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी तवक्को हुजूर के बहादुर फर्जंद ही से हो सकती है। कौन सा कारनामा? मेरी बच्ची एक मुद्दत के बाद गांव से यहाँ आ रही थी, रास्ते में एक मस्त हाथी ने उसे कुचलना चाहा। बहादुर शहजादे ने एक ही वार में उस हाथी की सूंड काट कर फेंक दी। ये वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ था जहाँ बना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लख्त जिगर ने अपना फर्ज अदा किया। मेरी तरफ से ये हकीर तोहफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया कबले मोहतरम। तो हमारा बेटा शिकार को जा रहा है बड़े शौक से, और तुम्हें भी इजाजत। एयाज, ये तुमने क्या किया? वो कारनामा तो तुमने अंजाम दिया था, शुजात का सिला भी तुम्हारा हक है। मैं जहां पना के उस्ताद मुकर्रम की तर्दीद किस तरह कर सकता था? मेरी जबान से शहजादे की इज्जत आबरू पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। लेकिन, और फिर आपको ये भी मालूम है, जहां पना ने हम दोनों को अपने बाजू बना दिया है। ये तो दुरुस्त है। तो कारनामा एक बाजू अंजाम दे या दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तुम्हारा हक है। नहीं, ये हाथी के गले को जेर देता है। अच्छा, तो फिर मेरी तरफ से ये कबूल करो, ये भाई की मोहब्बत का तोहफा है। भाई की अंगूठी मेरी उंगली में फख्र और इज्जत की निशानी बनकर चमकती रहेगी। बात ना लब पर लाऊं,
मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं, पर दिल की बात ना लब पर ना। मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं, पर दिल की बात ना लब पर ना। शहजादा मोहम्मद के साथ आया था और आपको घूर घूर के देख रहा था। याद तो मुझे भी कुछ यूं ही पड़ता है, वही होगा। क्यों ना इसे सिपाहियों के हवाले कर दिया जाए? वो तो करेंगे ही, फिलहाल तुम मेरा जूता उसके पास से लाओ जो अब उसके हवाले हो चुका है। अच्छा, ये क्या हरकत है? छोड़ दो मेरी बानो का जूता। तो अपनी बानो को भेजो ना। वो क्यों आएंगी? जूता जो उनका। बड़े आए हुक्म चलाने वाले, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। तो जूता भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वाह, नहीं मिलेगा, देखती हूँ कैसे नहीं मिलेगा। बानो, वो तो कोई अजीब मस्करा है, कहता है जूते वाली आकर खुद जूता ले जाए। क्यों? ये मुझे पता नहीं। अच्छा, तुम उससे कहो अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले। अच्छा, जाओ जाओ। जूते से तलवार हटाओ, मेरी बानो आ रही है। ये क्या मजाक है? जानते हो मेरी बानो कौन है? ये शर्फ मुझे हासिल हो चुका है। फिर तुमने ये बेहुदा हरकत क्यों की? हमारी मर्जी। हमारी मर्जी? हद हो गई है ढीठपन की। तुम कौन होती हमारे मामले में दखल देने वाली? तुम कौन होती हमारे मामले में दखल देने वाली? एक तो जनाना बाग में घुसा है और ऊपर से अकड़ दिखाते हो। चले जाओ यहाँ से, वरना खुदा की कसम। अच्छा, आज हम तुम्हारी बानों की इल्तिजा कबूल किए लेते हैं। बेचारी बड़ी मिन्नत समाजत कर रही है। मेरी बानों तो तुम्हारे ऊपर थूकती भी नहीं। बालो जी, अम्मी अहमद कहाँ है? भाईजान अपनी खिलवत गह में है। क्या कर रहा है? कहाँ चली अम्मी? अहमद के पास। ना जाइए अम्मी, ना जाइए। मैं जरूर जाऊंगी, उसकी बेहयाई रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। अम्मी
संत बहार नाम। अहमद, ये तुझे क्या हो गया? तू किस रास्ते पर चला जा रहा है? तूने उस बाप की गोद में परवरिश पाई है जिसकी जवानी नदी में शहर की तरह बेदाग और फूलों की तरह पाकीजा थी। तूने उस माँ का दूध पिया है जिसकी शराफत के दामन पर गजनी के सूरज और चांद ने कभी गुनाह का साया तक नहीं देखा। अगर तुझे यही कुछ बनना था तो मैं खुदा से दुआ मांगती कि ऐ खुदा, मेरे सीने का सब चश्मा ही खुश्क हो जाए। नहीं अम्मी, नहीं, तू ये बद्दुआ कभी नहीं मांग सकती। तू माँ है ना माँ। मैं तेरा अहमद हूँ, तेरा अहमद माँ। अब मेरी अच्छी अम्मी, तू मुझसे खफा क्यों है? अब मेरी तरफ यूं क्यों देखती है? मैंने क्या किया है अम्मी? पूछता है मैंने क्या किया है? तूने मेरी आंखों की नींद और मेरे दिल का चैन छीन लिया। तेरी इन हरकतों ने मेरे दिनों को अंधेरी रातें और मेरी रातों को कब्र की सुनसान तारीकी बना दिया। तू कुछ नहीं जानती माँ, तू कुछ नहीं जानती, तू सिर्फ माँ है। तू क्या जाने जवानी क्या होती है माँ। जवानी नाम है शराब और गुलनाब का। गुलनाब गुले सब बहार नाथ। नाच नाच परवाने परवाने जब तक शमा
एक रात अपने भाई से मिला हूं, जो आज ही खुरासन से यहाँ आया है शौक से। तो शुक्र है भैया, भाभी को या तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी भाभी के मुताले कुछ नहीं कह सकता। मुझे क्या तकलीफ होगी भला, सफर बड़े मजे में कटा, भाभी यहाँ भी बड़े मजे से रहोगी, अल्लाह का दिया सब कुछ है, और फिर मलिका और सुल्तान मेहरबान भी है मुझ पर। मैंने कहा गुलनाज, क्या है? मलिका और सुल्तान की मेहरबानी का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, अब वापस चलना चाहिए। अच्छा भाभी, कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे। बेहतर। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भैया। खुदा हाफिज। शहजादा कर सकते शहजादा अहमद क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि तुम्हें घोड़े पर बिठाए और अपने इशरत कदे की चार दीवारी में ले जाए। इस बार तो ये सुनहरी मौका मिला है, अब ये छलकता हुआ जाम हमारे होंठों से कौन हटा सकता है? हमें जाने दीजिए, वरना वरना क्या होगा? वरना मैं अपनी चीखों पुकार सुल्तान के कानों तक पहुंचा दूंगी। ये चीखों पुकार तो शाही महल की दीवार तक भी नहीं पहुँच सकती। चुपचाप चली चलो। हरगिज नहीं। नहीं? सौ बार नहीं। अच्छा तो हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। चलो छोड़िए सलादा। छोड़िए छोड़िए। अहमद की ये जुरत हमारी नजरों के सामने, हमारे महल के पास हमारी रया की बेहुरमती करे। गजनी के इस आसमान के नीचे अगर किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं रह सकती, तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारे कानून और जंगल के कानून में कोई फर्क नहीं। मुजरिम बचकर कहीं नहीं जा सकता। हमारा इंसाफ हर जगह हर घड़ी मौत का साया बनकर उसका ताकुब करेगा। कोई आगोश कोई दीवार उसे पना नहीं दे सकती। कोई है? अयाज से कहो हमारे हुजूर हाजिर हो। शहजादा अयाज शहर के लिए गए आलम बना। जब आ जाए तो हमारे हुजूर पेश करो। कहीं भी हो उसे जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने लाओ। बड़ी से बड़ी शख्सियत तुम्हारे रास्ते में आए, उसे हटा दो। अयास, इस वक्त तुम्हारे पास सुल्ताने हुए आई है। मैं जानता हूँ आपको कितना सदमा पहुंचा है। कितनी बदनसीब हूँ, जिस चराग को चाहिए था कि मेरे बुढ़ापे की काली रातों को रोशन करे, उसने मेरे ही घर को आग लगा दी। लेकिन मांगता क्या करे, मांगता किधर जाए? औरत गम के बड़े से बड़े पहाड़ को भी अपने शानों पर उठा लेती है, लेकिन मां बनकर औलाद का दुख नहीं देखा जाता। तुम जानते हो कि सुल्तान का फैसला बदल नहीं सकता। सुल्तान का फैसला अटल होता है। तुम कहो तो मेरे बेटे को बचा सकते हो। खामोश क्यों हो गए हो? ये सोच रहे हो कि एक तरफ माँ की मामता और दूसरी तरफ सुल्तान का हुक्म है। तुम्हें ये सोच रहे हो कि एक तरफ माँ की मामता और दूसरी तरफ सुल्तान का हुक्म है। तुम्हें आंसू नहीं देख सकता, लेकिन सुल्तान के हुक्म की तामील भी मेरी जिंदगी का। तुम मेरा आखिरी सहारा हो अयाज। आलिया हंसता हूँ, जब तक शहजादे की जान बख्शी नहीं करा लूंगा आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी मदद। पुकारो किसको पुती हो आप मदद के लिए? ना जाओ। बचा ले आबरू मेरी। नाचो। सितम ठाने लगा से याद हुई बेदाद परेदाद सुन फरियाद तेरी। बचा ले आबरू मेरी। नाचो। माया है
बचा ले आबरू मेरी। नाचो। चाले आबरू मेरी नाचो। ये जुरत के यहाँ तक पहुँचा। मुझ में ये जुरत भी है कि आपको गिरफ्तार करके सुल्तान के हजूर पेश करूँ। अपने आप को गिरफ्तार समझिए। हमें गिरफ्तार करने आए हो? इसका जवाब तुम्हारी तड़पती हुई लाश देगी। गिरफ्तार कर लो। गुलनास, अयाज, आपको आजाद कराने में देर लगी, इसके लिए माफी चाहता। आप माफी चाहते? मैं तो हैरान हूँ, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। मुझे यहाँ से ले चलो अयाज। चलिए। शहजादे, आपको गिरफ्तार करके मुझे सुल्तान मुअज्जम के हजूर ले जाना चाहिए। आपको अपने कमरे में ले आया, जानते हो क्यों? मैं नहीं जानता और न जानना चाहता हूं। तुम हो कितने वाले? तुम एक फलील गुलाम। शहजादे, आप थूक से मेरे, लेकिन आप क्या है? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन यह बात आपको जरूर बता देना चाहता। अपनी मां को दुखी बनाकर आप कभी सुख नहीं पाते। आपने अपनी हरकतों से उनका कलेजा छलनी कर दिया है, फिर भी उनके कांपते हुए हाथ आपकी सलामती के लिए खुदा की बारगाह में फैले हुए हैं। आज भी उनके होठों से यही अल्फाज निकलते हैं, इलाही मेरा बच्चा जिंदा रहे। इन अल्फाज से तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि माँ की कदर की, जिसकी जिंदगी आपकी जुदाई में सिर्फ आंसू और आहें बनकर रह गई है, जो महल का सुख चैन छोड़कर हर वक्त दरवाजे पर खड़ी आपकी राह देख रही है। और ये भी लीजिए, मैं सिर्फ आपकी माँ की खातिर आपकी जिंदगी की भीख मांगने सुल्तान मुअज्जम के हजूर चढ़ रहा हूँ। तुम मुजरिम को गिरफ्तार करने गए थे यार? मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है और मेरे कमरे में है। तो तुम अकेले क्यों आए? जहां बना से कुछ मा क्या मांगना चाहते हो? शहजादा अहमद की जिंदगी। अयाज, मैंने जहां बना से कभी कुछ नहीं मांगा, आज जिंदगी में पहली और आखिरी बार इल्तजा कर रहा। हमारे खजाने, हमारी सल्तनत, हमारी महल की जिस चीज की तरफ भी तुम इशारा करते, वो हम तुम्हारी झोली में डाल देते।
मगर जो कुछ तुम मांग रहे हो वो हम नहीं दे सकते। जहां पना मेरे दोनों हाथ आपके सामने फैले हुए हैं, एक में एक बदनसीब माँ के और दूसरे में आपके गुलाम के आम है। मैं इन्हें के कदमों में डालकर रहमत जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगता हूँ। ये आंसू हमारी नजरों में सबसे कीमती मोती हैं, मगर इनकी जगह सिर्फ हमारे दिल की गहराइयों में है, कानून के दामन में नहीं। अगर आज हमने अपने भांजे को माफ कर दिया तो कल मौर्य का कलम हमें नहीं माफ करेगा। तारीख के अल्फाज चीख चीख कर कहेंगे, महमूद की तलवार महल के पर अपनी रियाया के सरों पर तो चमक सकती थी, मगर जब महल के अंदर थी तो म्यान के दीवारों के पीछे अपना मुंह छिपा लेती थी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मौर्य का कलम फकत इंसाफ को देख सकता है, रहम को नहीं? कानून सिर्फ गिराना जानता है, गिरे हुए को उठाकर सीने से ना नहीं जानता। तानीत की दुनिया तो कायनात से भी ज्यादा वसी है, क्या इस दुनिया में एक गुनहगार इंसान को पना नहीं मिल सकता? आज एक इंसान के लिए एक इंसान की खिदमत में रहम की दरख्वास्त कर रहा है। कहिए हमने माफ किया, कहिए आलम बना, कहिए शाह मुअज्जम, कहिए शाह बाबा, कहिए शाह बाबा, कहिए शाह बाबा, शाह बाबा। यार जा धोने की कोशिश कर। शाह बाबा, अयास तुम खामोश क्यों हो? ये नजरें क्या कह रही हैं? मेरी नजरें झुकी रहेंगी क्योंकि मेरी जुबान आपको खुशी की खबर सुनाने से कासिर। तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सके? मैंने अपना वादा करके शाह मुअज्जम के फैसले को बदल दिया, लेकिन शहजादे की तकदीर न बदल सका। ये क्या कह रहे हो अयास? खुशी के वो फूल जो मैं अपनी झोली में डालकर आपके पास लाना चाहता था, शहजादे ने मुझसे छीन कर मट्टी में मिला दी। जब मैं शहजादे के लिए मुआफी का फरमान लेकर अपने कमरे में पहुंचा तो वो मुहाफिजों को जख्मी करके फरार हो चुके थे। फरार हो गया? अपनी खुशमती को ठुकरा कर, मामता की खुशियों के मोती पांव तले रौंद कर। अयाज बेटा, कौन कहता है तुम गुलाम हो? कौन कहता है तुम गुलाम हो? अगर तुम जैसा गुलाम मेरा बेटा होता तो मेरी गोद को अपनी खुशकिस्मती पर नाज होता। नादम क्यों हो बेटा? तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैं तुम्हारी ममनून हूं। मेरा सलाम कहना। तुम्हारे गेसुओं का ये रेशम यूं ही मेरे सीने पर खुशबुएं बरसाता रहे, और तुम्हारे सांसों की हल्की आंच इसी तरह मेरी रग रग को बताती रहे। फूलों की गोद में रंगबू का तूफान बन जाती है, जैसे का चांद किसी शफाफ झील में झिलमिलाने लगता है। आज यूं महसूस होता है जैसे मैं सितारों की दुनिया से आया हुआ एक माँ, और मैं चांदनी के होठों पर लहराया हुआ कोई गीत। ये नगमा और गीत एक हो गए। एक बोल, एक लय, एक सुर।
की जुल्फे सिया नागन की तरह बलखाई हुई है महलका। तो शहजादा मोहम्मद की है, गुलरुख के पास कैसे पहुंची? इसका यह मतलब है कि वो मनहूस स्याही दबे पांव यहां पहुंच गई, जिससे एक मौजिस खानदान का चेहरा बदनुमा हो जाता है। तुम एक मां का फर्ज पूरा ना कर सकी। अगर हमारी बेटी शाह मौजम की बहू बन जाए तो हमारी खुशकिस्मती होगी। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। कल सूरज गरूब होने से पहले बेटी को साथ लेकर गांव वापस चली जाओ। आप गांव वापस जा रहे हैं? क्यों? ये मैं नहीं जानती। आका बीबी ने हुक्म दिया है, मैंने इसे रोक दिया है। बानो, रोक दिया है। आपने कभी साहिल पर खड़े होकर समंदर को देखा है? सतह कितनी पुरसुकून होती है, मगर इस सतह के नीचे कैसे कैसे तूफान बरपा रहते हैं आप जानते हैं ना? तो मुझे आपसे शिकायत है। शिकायत? कैसी शिकायत? आप गुलनाज को देखते हैं,
लेकिन कभी आपने उस तूफान का भी अंदाजा लगाया है जो उसके दिल की गहराइयों में बेचैन है? काश आपने किसी की हालत समझी होती। गुलनाज, जो शख्स खुद तूफान में बहा जा रहा हो वो किसी और तूफान का कैसे अंदाजा लगा सकता है? शहजादे, दे दीजिए, मैं दलेर खां के हाथ पैगाम भिजवा दूंगी। सच मेरी नीला, सच मेरी जान, जा जल्दी जा। वो जो मुट्ठी दिखा देना, नहीं देना नहीं, दिखा देना। हाँ, वो तुम्हें महल के अंदर जाने की इजाजत दे गए। हाँ, देखना, डरना नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ तुम बहुत अच्छे, इसे अंदर रख लो, हवा लग जाएगी। हाँ, और देखो जब के अंदर जाओगे ना, हाँ तो शहजादा, हाँ हाँ उसे कहना कि तुम्हारी बानो गांव पहुंच गई है। तुम्हारा मेरा अगा बगा भी हो जाएगा, पहले ये जरूरी काम करो। अच्छा, और Thank you.
शहजादा मुअज्जम। कौन है तुम? आगा बगा बानो गांव चली गई। हमें गांव बुलाए। अच्छा, हमारी तरफ से ये फूल अपनी बानो को दे देना। देता नहीं है। सुन बेबी, शर्मा क्यों रहे हो? मेरी आरजू है कि मेरी वजह से उस्ताद मुकर्रम और शाही खानदान में ताल्लुकात और मजबूत हो जाएं। ओ, समझ गए। जहां पनाह से बात करके जरूर कोशिश करेंगे। अम्मी हुजूर, हम खुद भी अपने बेटे के सर पर सेजदा देखने के आरजूमंद हैं। और हाँ, आज हम उस्ताद मुकर्रम के यहाँ मिलाद शरीफ पर भी जा रहे हैं। अब ये बेचैनी कैसी? दलेर खान ने शहजादे आलम को पैगाम पहुंचा दिया है। अल्लाह करे वो कल आ जाए। आएंगे क्यों नहीं, वो तो आपसे भी ज्यादा बेचैन होंगे। सच? बेटी गुरु, बाहर जल्दी आओ, मलका आलिया की सवारी आ पहुंची है। بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جو نہ ہو तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाब ख्याल ही सल्लु अलैहि वाले ही सल्लु अलैहि वाले ही जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाब ख्याल ही सल्लु सल्लु अलैहि वा आलिही सल्लु अलैहि वा
रुखसत होने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। फरमाइए मलिका आलिया। हमारी ख्वाहिश है उस्ताद मुकर्रम और शाही खानदान एक दूसरे के करीब हो जाएं। गुलरुख हमारी बहू बने। मलिका आलिया, गुलरुख आपकी कनीज है, इससे बढ़ते मुझे और क्या खुशी हो सकती है। मुबारक। तस्लीमात हुजूर। मलिका आलिया, बंदी आदाब बजा लाती है। ये क्या बदतमीजी है नीलो। अगर मलिका आलिया पसंद फरमाए तो रक्स नगमे का बंदोबस्त कर दिया जाए। शाही महल की खास रकासा गुलनाज दरे दौलत पर हाजिर। नीलो की बच्ची आज तेरी शामत आई है, आखिर ये सब क्या है। ये सब कुछ इस तकरीब में हो रहा है कि शहजादा मोहम्मद दुल्हा बनेंगे और दुल्हन मेरी सरकार। सच? मेरी सरकार ने मुबारक सलामत की आवाजें नहीं सुनी। गुलनाज, आज मेरी जिंदगी का मसरूर तरीन दिन है। आज सारी खुशियों के फूल मेरी झोली में आ पड़े। आज मेरी रंगत में बाहर की रंगीनियां बस गई हैं गुलनास। गुल्लुख, आज इस कदर शर्मा क्यों रही हो? जब तुम चली आई मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिनों की रोशनी और रातों की चांदनी तुम्हारे साथ चली गई है। तुम क्या जानो मैंने आंसुओं की मोती जुदाई की लड़ियों में कैसे परोए हैं। अब आप जुदाई की बातें क्यों करते हैं? अब तो हम एक हो रहे हैं। एक हो रहे? हाँ। आपको मालूम नहीं? नहीं तो? सच? हाँ हाँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मलकाए मौजमा ने रिश्ता तय कर लिया है, हम और शहजादा आलम अनकरीब खुशियों से हम किनार हो जाएंगे। शहजादा आलम यानी शहजादा मोहम्मद? हाँ। मैं शहजादा मोहम्मद नहीं हूँ जी। मैं अयाज हूँ, गुलाम अयाज। गुल्लुख, तू अयाज है, गुलाम अयाज, शहजादा मोहम्मद नहीं। मगर होता क्या है गुलनाज? मेरी सारी खुशियां लुट गई, अब मुझसे क्या लेने आई हो? कहो अयाज, हमारी खुशियां जिंदा है। वो दिन बहुत करीब आ रहा है, शाही महल के दरो दीवार रोशन डूब जाएंगे और हमारे दिलों की दुनिया जगमगा उठेगी। ये धोखा है गुलनाज, तुम जिस प्याले को होंठों से लगाना चाहती हो उसमें गम की तिलचट के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहा। मुझसे वो चीज ना मांगो जो मेरे पास ही नहीं। गुलनाज, मेरी मैं इस वीरान नई आरजुओं को चराग रोशन करूं। चराग रोशन करोगी? वो तो हवा के एक ही झोंके से बुझ जाएगा। जाओ गुलनाज जाओ, तुम जिस रास्ते पर आ गई हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं बन सकता। वो मेरी मंजिल नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? भैया, क्या बात है भैया, तुम इतने परेशान क्यों हो? गुलनाज, तुम तो महल में चैन से जिंदगी बसर कर रही हो मगर तुम्हारे भाई पर तो कयामत ही गुजर गई। कयामत?
कैसी कयामत? मेरे अपने घर की चार दीवारी में मेरा नंगो नामूस लुट रहा। किस तरह? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी इज्जत बर्बाद करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी है जिसका शाही वकार किसी को खाते ही भी नहीं लाता। मैं फरियादी बनकर सुल्तान के पास जाऊंगी, मुझे बताओ आप क्या क्या है। तो सुनो हशमत, खुदावंद करीम ने हमें दो खुशियां अता फरमाई, हमारे एक बेटे की मंगनी हो गई और दूसरा सेहतयाब हो गया। शाही खजाने का मुंह खोल दो और अल्लाह का दिया अल्लाह के बंदों में इस तरह बांटो कि कोई शख्स महरूम न रह जाए। तामील होगी जहां पला। गुलनाज, तुम यहां किसकी इजाजत से आई? आपका फरमान है कि फरियादी के सामने महल की कोई दीवार भी हाल नहीं हो सकती। मैं फरियादी हूँ जहां पना। फरियादी? एक ऐसे शख्स के खिलाफ फरियाद लेकर आई हूँ जिसके गुरूर को शाही खानदान का जाहो जलाल भी शह दे रहा है। शाही जाहो जलाल क्या माने? अगर उसके रगों में हमारा खून भी दौड़ रहा हो तब भी जालिम को हमारी तलवार माफ नहीं करेगी, हमें बताया जाए। तो सुनिए जहां पना। तखलिया। अलीजा, कल से पानी का एक कतरा भी हजूर के हलक में नहीं गया। नसीबे दुश्मना, तबीयत नासाज हो जाएगी। रख लिया। फरियादी आगे आलम बना। फरियादी आ गया। चीखो और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी चीखो पुकार हम पर कोई असर नहीं कर सकती। हमने हजारों चीखों को गजनी की दीवारों से सर फोड़ कर मरते हुए देखा है। उठो उठो, आज हम मायूस होने के इरादे से नहीं आए। मुझ गरीब की आबरू से खेलकर आपको क्या मिलेगा शहजादे? तुम औरत हो, तुम दुनिया की सबसे बड़ी मसर्रत हो, दुनिया की मसर्रतों पर हमारा पैदाइश हक है। नहीं नहीं, मैं किसी की अमानत हूँ, किसी की बीवी हूँ। लेकिन हमारी रियाया हो, हमारा हुक्म मानना तुम्हारा ईमान होना चाहिए। हमारे पास आओ आओ आओ। नहीं, छोड़ मुझे। नहीं नहीं, मुझे जबरदस्ती गुनाहों के जहन्नुम में न धकेलिए। तुम भी गुनाह साहब के चक्कर में हो, लो ये आबे हयात का एक जाम पियो, गुनाह साहब के रेत माल खुद बहुत टूट जाए। पियो पियो पियो। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। खुदा खुदा तो मेरे, तुम जिस खुदा की बात करती हो शरी, वो तो जिंदों को मार देता है, ये खुदा मुर्दों को जिंदगी देता है। पियो। दरवाजा।
आलम बना। हट जाओ। हमारी बेटी को दुख पहुंचा, इसके लिए हम शर्मिंदगी से माफी चाहते हैं। जहां बना। बेटी तुम अपने शौहर के पास जाओ। तुम ये समझते थे हमारी रियाया की बहु बेटियां तुम्हारे लिए खिलौने हैं और कोई कानून तुम्हारी याची का हाथ नहीं पकड़ सकता। आलमपना मुझ पर रहम कीजिए, मैं तो आपकी का खून हूं। शराब खुल खा दो, कहीं रोशनी में खून खून को पहचान कर इंसाफ का दामन न पकड़ ले। आलमपना लाश मां के पास पहुंचा दो। मैंने उस्ताद मुकर्रम के बाग में तीर चलाकर तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन तुम पास नहीं आए। दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं करती शहजादे, लेकिन खुदा का शुक्र है मेरी तलवार ने आकाजादे के जिस्म को छूकर नमक हरामी का सबूत नहीं दिया। हाँ हाँ, तुम्हारी तलवार आकाजादे के जिस्म को नहीं छू सकती, लेकिन तुम उसके अरमानों का खून कर सकते हो, उसकी आरज़ुओं का गला घोट सकते हो। तुम जाने पिदर, आराम से लेटे रहो। कैसी तबीयत है? इफाका है जहां पना। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है आज? नहीं आलमपना। हमारे लखते जिगर को सेहतियाब होना चाहिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह।
بہت جلد غسل صحت فرمائیں گے۔ بانو آپ ہر وقت غم میں ڈوبی رہتی ہیں، نصیب دشمنا بیمار نہ پڑ جائیں۔ دل کا چراغ بجھتا جا رہا ہے نیلو، نیند کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی، یہ ایک دم کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس قدر نا امید نہ ہوں، میں تو انہیں دل کی بات بھی نہ بتا سکی، دل کے دل ہی میں رہی۔ کاش میں انہیں بتا سکتی کہ میرے لیے میرا آیاس یہ سب کچھ ہے، میرے دل اور روح کا مالک۔ آیاس تم غلام ہو تو کیا ہوا، میرے دل کی بادشاہ تو تمہارے قدموں پر نثار ہے، تم ہی میری زندگی کا چراغ ہو آیاس۔ آیاز آقا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ شانے کا زخم آپ سلطان معظم سے کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں حکیم صاحب، بات کافی ہو چکی ہے، آپ جا کر آرام کریں۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں، میں کیسے چلا جاؤں؟ سو جاؤں گا میں بھی، آپ آرام کریں۔ جو ہو شب بخیر۔ ریحانہ تم بھی آرام کرو۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ سوچ کیا رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں آپ کی اور میری بیماری میں کیا فرق ہے، یہ کیسی بیماری ہے، یہ اندر کھلتا رہتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے گلناز، جاؤ جا کر سو رہو۔ سو رہا ہوں؟ کیسے سو رہا ہوں؟ نیند تو جیسے آنسوں میں بہ کر کہیں دور چلی گئی ہے، کون جانے کب لوٹ کر آئے، کون جانے یہ اجڑا دیار کب آباد ہو۔ شاید آپ جانتے ہیں شہزادی۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ نہیں جانتے؟ آپ نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے؟ بار بار میرے دل کا راز نگاہوں کے راستے آپ کی نگاہوں کی طرف جاتا ہے، مگر آپ تو اپنی آنکھوں کی کواڑ ہی بند کر لیتے ہیں۔ کب تک دستک دیتی رہوں گی شہزادی، آخر کب تک؟ گلناز جی مجھے پریشان مت کرو۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ تو جہاں پناہ، اصل بیماری یہ ہے آیاز آقا کی؟ تعجب ہے، آیاز نے اس کے متعلق کبھی اشارہ تک نہ کیا۔ ملکہ معظمہ تشریف لا رہی ہے۔ خوش آمدید ملکہ۔ تسلیمات سلطان عالی۔ تخلیہ اطمینان کیوں ہے؟
अयाज बहुत जल्द सेहत याब हो जाएगा। बेगम, आज हमें अयाज की असल बीमारी का इल्म हो गया है। आलम पना, कहीं ये वही बीमारी तो नहीं जिसका जिक्र अक्सर शायर लोग किया करते हैं? है तो वही, मगर तुम्हें कैसे इल्म हुआ? रेहाना ने बताया था। रेहाना ने? और हमें हकीम साहब ने बताया? ये चक्कर भी खूब चला है। इसी चक्कर पर घूमकर तो हम असलियत तक पहुंचे हैं। खैर, हम अपने अयाज की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। तो क्या हम अपनी गुलनाज का हाथ यूं ही उसके दूल्हा के हाथ में दे देंगे? नहीं, धूमधाम में मलका हमसे पीछे नहीं रहेगी। शुक्रिया सुल्तान आलम। ये सब कुछ क्या है? शाही तोहफे उस्ताद मुकर्रम के घर जा रहे हैं, शहजादे की होने वाली दुल्हन के लिए। शहजादे की होने वाली दुल्हन के लिए। मंगनी मुबारक हो पानू, और मंगनी का जोड़ा भी। बानों की तबीयत रात से कुछ खराब है। ये तबीयत की बात नहीं, दिल का मामला मालूम होता है। ये राज उससे छुपाओ जिसने मंगनी के वक्त तुम्हारी बानों को देखा ना हो। किस कदर खुश थी, जैसे दुनिया की तमाम खुशियों के फूल इनकी झोली में आन पड़े हों। वो तो एक सुहाना हाथ था गुलाज, जिसकी ताबीर नहायत दर्दनाक निकली। नीलू, एक दुखा हुआ दिल दूसरे दुखे हुए दिल में बड़ी जल्दी झांक। बानों की तबीयत रात से कुछ खराब है। ये तबीयत की बात नहीं, दिल का मामला मालूम होता है। ये राज उससे छुपाओ जिसने मंगनी के वक्त तुम्हारी बानों को देखा ना हो। किस कदर खुश थी, जैसे दुनिया की तमाम खुशियों के फूल इनकी झोली में आन पड़े हों। वो तो एक सुहाना हाथ था गुलाज, जिसकी ताबीर नहायत दर्दनाक निकली। नीलू, एक दुखा हुआ दिल दूसरे दुखे हुए दिल में बड़ी जल्दी झांक लेता है। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। तो आओ, मैं तुम्हें एक दुखे हुए दिल की कहानी सुनाऊं। दुनिया की कोई जबान भी बयान नहीं कर सकती कि जैसे एक माँ का दुख सारे आया जाए। कत्ल का इल्जाम लगाया गया है कि कल हाजिर होकर बयान दे, ना हो जाए अपने आप को बंद समझे। और हमें जहां जी चाहे नजरबंद रखा जाए। जहां अपना अपने कमरे ही में रहेंगे, बाहर पहरा होगा, लेकिन आलम पनाह की तलवार। अयास, सुल्तान जेरे हिरासत है। हमें उनसे मिलना है। मैं अपने फर्ज से मजबूर। अदालत को ये तस्लीम है कि हुक्मरान होने की हैसियत से आप कानून के मुहाफिज हैं, कानून के मालिक नहीं। जुर्म का फैसला करना और मुजरिम को सजा देना कानून का फर्ज है, आपका नहीं। कानून का हक आपकी तलवार को कभी हासिल नहीं हो सकता। आप पर इल्जाम है कि मुसम्मी अहमद को आपने कत्ल किया है। कोई ऐनी गवाह? अदालत इस कत्ल का ऐनी गवाह तलब करी। मैं ऐनी गवाह हूँ।
یہ قتل میرے سامنے ہوا ہے۔ ثبوت؟ شاہ معظم کی تلوار۔ ملزم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ اسلامی قانون بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ انصاف زندگی لینے والے سے خود اس کی زندگی مانگتا ہے۔ انصاف کی دہلیز پر کھڑے ہو کر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ مقتول کی ماں کی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اولاد کی محبت میں ماں کا دل پگھل کر موم ہو جاتا ہے تو کسی وقت وہ ایک چٹان بھی بن سکتا ہے۔ میرا صرف ایک بیٹا تھا، اگر 10 بیٹے بھی ہوتے کرتے تو میں سب کے سب انصاف قربان کر دیتی۔ سلطان نے انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے بے انصافی کا خاتمہ کیا ہے۔ قتل یہ قتل نہیں ہے۔ آپ کا جذبہ ہزار تحسین اور تعریف کے قابل ہے، لیکن قانون ماں کا دل نہیں۔ محبت اور قربانی کے جذبات اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ قانون کی آنکھ صرف وہ خون دیکھ رہی ہے جو زمین پر بہ چکا ہے اور جس کا ہر قطرہ قاتل کے دامن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ ٹھہریے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ عدالت کی کاروائی میں دخل دینا جرم ہے؟ شریعت کی روح سے خون بہا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مجرم خون بہا دینے پر؟ اگر 10 بیٹے بھی ہوتے کرتے تو میں سب کے سب انصاف قربان کر دیتی۔ سلطان نے انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے بے انصافی کا خاتمہ کیا ہے۔ قتل یہ قتل نہیں ہے۔ آپ کا جذبہ ہزار تحسین اور تعریف کے قابل ہے، لیکن قانون ماں کا دل نہیں۔ محبت اور قربانی کے جذبات اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ قانون کی آنکھ صرف وہ خون دیکھ رہی ہے جو زمین پر بہ چکا ہے اور جس کا ہر قطرہ قاتل کے دامن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ ٹھہریے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ عدالت کی کاروائی میں دخل دینا جرم ہے؟ شریعت کی روح سے خون بہا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مجرم خون بہا دینے پر تیار ہے؟ مجرم جواب دے۔ میں نے ایک ماں سے جو کچھ لیا ہے، اگر اس کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں پر ڈال دوں تو ابھی خون بہا نہیں کیا جا سکتا۔ خون کے داغ صرف خون ہی دھو سکتا ہے۔ عالم پناہ، جہاں پناہ؟ میں مقتول کی وارث ہوں، مجھے خون بہا لینے کا حق حاصل ہے۔ قاتل کی رضا مندی کے بغیر نہیں۔ ہاں پناہ، کیا آپ مجھے خون بہا دینے کے لیے تیار نہیں؟ جہاں بنا میں پوچھ رہی ہوں، میں خون بہا مانگ رہی ہوں۔ کیا ایک دکھی بہن کی آواز بھائی کے دل کی بجائے پتھروں سے ٹکرا رہی ہے؟ کیا لہو نے لہو کی پکار پر کان بند کر لیے ہیں؟ کیا ان بوڑھے ہاتھوں کی آخری مشل بھی چھن جائے گی؟ بولیے جہاں بنا، للہ بولیے، میں خون بہا میں آپ کا بیٹا ایاز مانگتی ہوں۔ کیا شریعت کے نام لیوا کو شریعت کا فیصلہ منظور نہیں؟ شریعت کے فیصلے کے سامنے میرا سر خم ہے۔ قاتل خون بہا دینے پر آمادہ ہے، مجرم رہا کیا جاتا ہے۔ پائندہ باد قاضی، جب تک تاریخ سلطان محمود کو یاد رکھے گی اس قاضی کو بھی نہیں بھولے گی جس نے انصاف کی خاطر محمود کو مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ اور ایاز کا نام بھی زندہ رہے گا جس کی فرض شناسی نے شہ بابا کی محبت کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے
कि इस्लाम के कानून की नजर में तख्त ताज के जाह जलाल की कोई हैसियत नहीं। एक शहंशाह, एक गरीब जब कानून के दरबार में होते हैं तो एक हो जाते हैं। अहमद हमारी अजीज बहन का एक लौता बेटा था, मगर उसकी औबाशियों ने एक गरीब खानदान की इज्जत पर नापाक हमला करके हमारी गैरत को झंझोर डाला। हमने उसका खात्मा कर दिया। अहमद को कत्ल करते वक्त हमने कानून अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए कानून हमारा हाथ पकड़कर इंसाफ के सामने ले आया। फतह हमेशा इंसाफ की होती है और आज भी फतह इंसाफ ही की हुई। इस तलवार से जो खून के कतरे टपके हैं वो आज सिर्फ, मगर कल वक्त की पेशानी। पानी कुछ भी हो गई, आज सिर्फ, मगर कल वक्त की पेशानी। पानी कुछ भी हो गई, देखवान तुम जिस तरह गई वो तुम्हारी मंजिल बन सकता, तुम्हारी मंजिल नहीं बन सकता। मेरी मंजिल नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, जबकि मेरे रास्ते में आने वाली दीवार खुद ब खुद गिर पड़ी। ये दीवार मौजूद है। दीवार मौजूद है? हाँ, मगर तुम गुलरुख के को सीढ़ी बनाकर उसके पास थी। मोहब्बत की खुशी में रहा, तुम अपनी खुशी के गुलरुख की खुशियों को कुचलना चाहती हो, अयाज की शरतों को बर्बाद करना चाहती हो। अयाज का भी ख्याल करो, नामूस सुल्तान ने अपने सगे भांजे का गला काट दिया था, टूट गया तो सुल्तान भी सलामत न रह सकेगा। अपना फर्ज और मोहसिन का एहसान समझो, मगर मेरा दिल जो टूट जाए। गुलनाज, तुम अयाज को पाकर भी उसे नहीं पा सकोगी। गुलरुख का अयाज, गुलनाज का अयाज कभी नहीं बन सकता। गुलनाज का अयाज नहीं बन सकता, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। मगर मैं क्या होगा, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत। Thank you.
مکرم ضیاء کے حکم سے اعلان کیا جاتا ہے کہ استاد مکرم کی صاحبزادی گل رخ کا نکاح شہزادہ ایاز سے اور حضور کی بھانجی مہربانو کا نکاح شہزادہ محمد سے بعوض ایک ایک لاکھ اشرفی حق مہر قرار پایا ہے۔ شاہ بابا، محمد بیٹے، کسی حقدار کا حق مارنا ایک شریف انسان کو کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ ایک باغیرت آدمی کے لیے وہ انعام توہین و ذلت ہے جو اس کی بہادری کے دامن میں نہیں کسی اور کی بہادری کے دامن میں گرا ہو۔ قاضی صاحب، نکاح پڑھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل، اعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له۔ گلاب، گلاب، گلاب،